हेलो अरुण, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई, आज जो हमारे सामने गाड़ी होने वाली हो रहेगी हमारी निसान मैगनाइट की टेक्ना वेरिएंट, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट अगर आपको टॉप एंड में जाना है। बस इसमें एक चीज़ की कमी रहेगी, वो रहेगा हमारा टर्बो ऑप्शन, हमें देखने को नहीं मिलता। इसके ऊपर हमारा टेक्ना प्लस आता है, टेक्ना प्लस सर्वो आता है, उसी के अंदर आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा और सीवीटी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर ना आपको टर्बो तो नहीं मिलता, बट हाँ आपको AMT जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो AMT ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, इसलिए भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है इस प्राइस रेंज में। 9,25,000 में आपको एक शोरूम देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं 10-10.5 तक आपको ये ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे फीचर्स, मतलब सारे ही टॉप एंड देखने को मिल जाते हैं। बस इससे ऊपर जो फीचर मिल जाएंगे आपको उसमें इंटीरियर में थोड़ा बहुत जैसे लेदरेट जो फिनिशिंग है ब्लैक बीच के अंदर, तो ब्लैक ब्राउन हो जाएंगे, नहीं तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट होने वाला है। ऊपर से भी AMT इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बट जो थोड़ा पंची इंजन चाहते हैं तो उनके लिए भाई इससे अपर वेरिएंट है, आप इसके ऊपर टेक्ना प्लस सर्वो में जाना। नहीं तो सबसे मोस्ट वैल्यूबल प्रोडक्ट भाई इस प्राइस रेंज में, काफ़ी चीज़ें अच्छी ऑफर करती है गाड़ी, डायमेंशन में भी, फीचर्स में भी और लुक्स में तो भाई काफ़ी एनहेंस हो ही गई है। बाकी भाई फ्रंट प्रोफाइलिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको सारे के सारे LED सेटअप देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में सेटअप, ये आपको भाई टर्न इंडिकेटर के अंदर में काफ़ी प्रीमियम लगता है। नीचे आपके बड़े से हो गए DRLs और नीचे आपका हो गया फॉग लैंप। इसमें आपको फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी क्या चीज़ अब करती है भाई, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, काफ़ी प्रीमियम फील होती है और भाई ब्लैक कलर में तो काफ़ी क्लासी लग रही है गाड़ी। ये एक आपको एसरी गार्ड, जैसे फ्रंट बम्पर होता है ना हमारा प्लास्टिक में, वैसा कुछ देखने को मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल ये आपकी हो गई है। बाकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको जैसे पहले मिलते थे पुरानी मैग्नाइट में, वैसे ही मिलते हैं। 2500 का इसका व्हील बेस मिल जाता है आपको, ठीक है। 205 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एंड 1790 आपको इसमें वेट मिल जाती है, 1527 हाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपके भाई रेगुलर वाइपर्स हो जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल रहने वाली है भाई, ये काफ़ी अच्छी साइड प्रोफाइल मिलती है आपको और ब्लैक कलर में तो भाई एकदम कलर लुक दे रही है गाड़ी। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा शार्प कर दिया है, जैसे पहले मिलते थे आपको ऐसे देखने को मिलते थे डिज़ाइन में ही, और ये आपको थोड़ा शार्प कर दिए गए हैं। 16 इंचज़ के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो मल्टी लिंक सस्पेंशन दोनों का यूज़ हुआ हुआ है, फ्रंट का भी रियर का भी। तो जर्क्स वगैरह पर्सनली मैंने इसका पुराना जो फेसलिफ्ट से पहले था वर्जन चलाया था, तो इतने ज़्यादा आपको झटके गाड़ी में फील नहीं होते। बाकी आप देख सकते हो व्हील आर्च। नीचे यहाँ पे आपको एक जैसे रियर में स्किड प्लेट मिलता है तो साइड में ग्लाइडिंग्स के ऊपर ये कुछ फिनिशिंग दे दी गई है, काफ़ी अच्छी क्या बात है। इस सेगमेंट में भाई 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है गाड़ी। बाकी ब्लैक कलर में ORVM विद अ टर्न इंडिकेटर और नीचे आपका हो जाता है कैमरा, साइड में निशान मैग्नेट की बैजिंग हो जाती है। क्रोम फिनिशिंग में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं विद अ कीलेस एंट्री या रिक्वेस्ट सेंसर आप बोल सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज़ इसकी की लॉक अनलॉक। इससे ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गाड़ी ऑन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट काफ़ी प्रीमियम कर दिया भाई गाड़ी की। बाकी बेल्ट लाइन जो आपकी रहेगी ये पूरी क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, पीछे क्वार्टर ग्लास हो गया और A+ B+ पूरा का पूरा आपका ब्लैक आउट रहने वाला। राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल कैप देखने को मिल जाती है। बाकी ये है भाई रियर लुक गाड़ी की, काफ़ी अच्छी और प्रीमियम बना दी गई है। इसमें ना आपको पहले से जो रियर के टेल लैंप्स है वो काफ़ी चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आपको यू डिज़ाइन में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लैम्प मिल जाता है और आपके भाई लेज़र रियर के टेल लैंप्स के साथ जलते हैं जब आप ब्रेक को पुश करेंगे। इसे शिफ्ट की पीछे बैजिंग, मैग्नाइट की बैजिंग, निशान का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड आप रूफ रेल से मिल जाते हैं 50 kg कैपेसिटी के साथ। बाकी रियर में यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 4, पीछे रिफ्लेक्टर और आप देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा सस्पेंशन ट्रेवल लुक आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। जो पीछे से लुक आती है ना गाड़ी की वो बहुत ज़बरदस्त आती है, मतलब कॉस्मेटिकली सब चीज़ें गाड़ी के अंदर चेंज कर दी गई हैं तो वो आपको काफ़ी प्रीमियम ही कराती है। ऊपर से ब्लैक कलर, इसे शिफ्ट की बैजिंग हो गई। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको ट्रंक अनलॉक करने के लिए, तो 336 लीटर का बूट स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, अच्छा खासा बूट ऑफर होता है इस गाड़ी के अंदर आपको। यहाँ पे मैटिंग मिल जाती है और इसी मैटिंग को अगर आप हटाएंगे ना
तो यहाँ पे आपको नीचे स्पेयर व्हील मिल जाएगा 2 इंचेस कम, ऊपर ही आपकी हो गई है पार्सल ट्रे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 60-40 आपको स्प्लिट सीट गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे आप अपना गाड़ी का इसका जो बूट स्पेस एनहेंस कर सकते हो, 690 लीटर तक का एनहेंस कर सकते हो। इससे मेजर क्या ड्रास्टिक चेंज करा है कि जैसे ये वाली भाई ओल्ड वाली खड़ी है हमारी, तो जैसे ये ओल्ड स्कूल था ना, तो ये चीज़ अब हटा दी गई है, ठीक है, बेस वेरियंट से हटा दी गई है। और उसमें ना अब आपको यहाँ पे जैसे डोर हैंडल्स में मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, वैसा सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी अब इंटीरियर की बात करते हैं, उससे पहले वाइड डोर ओपन हो जाता है आपके 80 डिग्री तक का, इजी टू एक्सेस है आपकी ड्राइविंग सीट और रियर कैबिन सीट भी आप इजीली भाई एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको अंदर गाड़ी स्पेस ऑफर करती है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं, 1 टच डाउन एंड 1 टच अप आपको ड्राइविंग सीट पे, और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ। बाकी भाई ये है आपका गाड़ी का इंटीरियर, ब्लैक बीज कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की स्टिचिंग दे दी गई है, काफ़ी प्रीमियम बनाई गई है अंदर से। अगर अब बात की जाए भाई इसके स्टेयरिंग की, तो इसके मैं स्टेयरिंग कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे भाई आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। इसके टॉप एंड में भी टेलीस्कोपिक नहीं देखने को मिलता। बाकी हाई माउंटेड स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको भाई ये क्लस्टर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ थीम चेंज कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है, रेंज टू MD टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और कितनी सर्विस ड्यू रह गई है वो सब फीचर्स आपको ये क्लस्टर बताएगा। 7 इंच का क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का लीवर लेफ्ट हैंड साइड में, आपको वाइपर्स का लीवर मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाती है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, और यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है स्टेयरिंग पर, डैशबोर्ड पर भी टोटल 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प, लेवलर देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और फुल्ली यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, सनशेड विद टिकट होल्डर, और यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये सेंसर मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बल्ब में दे दिया गया लैम्प, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी AC वेंट की भाई काफ़ी लुक अच्छी आपको देखने को मिल जाती है गाड़ी की, और यहाँ पे आपको 8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर की भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, और इसके अंदर आपको कैमरा 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी आपको कैसी लगी इस गाड़ी के अंदर। फ्रेमलेस ऑटो ORVM मिल जाते हैं इस गाड़ी में, ऑटो पुश बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ फ़ोन रखने का ऑप्शन, नीचे भी भाई कुछ फ़ोन रखने का ऑप्शन, 12 वॉट का सॉकेट, USB ऑप्शन, AMT मिल जाता है, मैनुअली भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे पार्किंग हजार्ड लाइट, डिफॉगर, लॉक अनलॉक करने के लिए, एंड हैंड ब्रेक मिल जाता है, इसके ऊपर स्टिचिंग मिल जाती है, 2 कप होल्डर, आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच के साथ बट डिसेंट स्पेस मिलता है, ग्लोव बॉक्स मिल जाता है लाइट के साथ, काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाती है, कोल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है, नाइस। एंड हाइट एडजस्टमेंट वाले सारे भाई आपको हेड रेस्ट इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, और गाड़ी लिटरली आपको ये फील स्पेशियस अंदर से ज़रूर होती है, ठीक है। बाकी चलते हैं अब गाड़ी के पीछे, और मैं करता हूँ अपने 6 फीट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट आगे की, तो 6 फीट के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया भाई, चलते हैं गाड़ी के पीछे रियर सीट्स में और देखते हैं कि क्या लेग रूम और हेड स्पेस कैसा देखने को मिलता है। तो भाई आ गए हैं पीछे, देख सकते हो आप लेग रूम कितना अच्छा खासा मिल जाता है, और हेड रूम भी काफी अच्छा तो नहीं मिलता बट हाँ डिसेंट सा मिल जाता है। बट हाँ पीछे आपको ना यहाँ पे इसकी वजह से भाई अंदर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसा बिल्कुल भी फील ना हो रियर सीट्स में भी, तो अंदर आपको स्पेशियस बिल्कुल फील कराती है गाड़ी, और बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है विद अ 2 कप होल्डर, 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको, ये स्पेसेस की सब एनहांस कर सकते हैं। रियर का AC वेंट हम भाई बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलता है, तो आराम से भाई देखो 6 फीट के बंदे आराम से बैठ सकते हैं बट इतने भी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाएंगे, तो जिसकी 5'10" हाइट है तो रियर में भाई तीनों बिल्कुल एडल्ट बैठ सकते हैं, बट 6 फीट वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, क्योंकि मैं भी भाई कंफर्टेबल बैठा हूँ और इतना स्पेस है कि मैं शायद 2 लोगों को और बैठा लूँ। अगर मैं उसके बात करूँ भाई सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको ABS विद EBD की यूनिट मिल जाती है, 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, और आपका आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती हैं, हिल असिस्ट मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा जैसा हो गया मिल जाता है, ऑटो सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक देखने को मिल जाते हैं इसमें, तो आपको फीचर्स काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में।
फ्रेमलेस आपको ऑटो RVM मिल जाता है, तो काफी अच्छे आपको भाई फीचर्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर करती है गाड़ी। बाकी अब चलते हैं बाहर और करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात। और भाई सबसे तगड़ी क्या चीज़, अपने सेगमेंट में सबसे तकड़ा टर्निंग रेडियस गाड़ी का मिल जाता है, 5 मीटर्स में टर्न हो जाती है, अंदर स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट होने वाला है ये, काफ़ी लोग इसी की बुकिंग करने वाले हैं। अगर टॉप एंड चाहिए तो भाई सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रहने वाला है। बस हाँ एक चीज़ है, एन इंजन रहेगा, बट हाँ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है। तो किसी को अगर भाई ज़्यादा ही कार एंथुजियास्ट और पंच इंजन चाहिए तो आप टर्बो के साथ जा सकते हो, वरना एन ए भी काफ़ी अच्छा इंजन है। अंडर पावर इतना आपको अंदर फील नहीं होगा, चलाने में काफ़ी अच्छी ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई ये है आपकी इंजन प्रोफाइल, इसमें 1000 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, एन ए इंजन देखने को मिलता है, 72 BHP विद 96 N ऑफ टॉर्क, 3 सिलेंडर मिल जाते हैं, फ्यूल टाइप हमारा पेट्रोल का ही रहने वाला है, BS6 2.9 एमिशन नॉर्म मिल जाता है। और आप सुन सकते हो भाई अभी इंजन ऑन है तो कितना साइलेंट इंजन मिल जाता है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उसके बाद भी इंसुलेशन मैट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई NVH गाड़ी के काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसका मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लेके आने वाला हूँ, बाकी तो सब चीज़ें सेम है, बस एक बार दिखाऊंगा कि इसकी आपको रोड प्रेजेंस कैसी देखने को मिलती है, वो भी ब्लैक कलर के अंदर। सो भाई ये था मेरा टेक्ना से रिलेटेड एक रिव्यू, और टॉप ही टॉप एंड वेरिएंट है, बट ये आपको एन ए इंजन के साथ देखने को मिलता है। इससे ऊपर एक और आता है टेक्ना प्लस, तो इसमें आपको टेक्ना प्लस ऊपर आप जाओगे टेक्ना प्लस CVT भी मिल जाता है, इससे ऊपर जाओगे तो टेक्ना टर्बो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे 3-4 वेरियंट और ऊपर आते हैं, लेकिन ये हमारा है टॉप एंड वेरियंट तो है, फीचर सारे मिल जाते हैं, बट हाँ एन ए इंजन के साथ मिलता है। अब माइलेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी जो क्लेम करती है 19 से 20 AMT के अंदर, ये हमारा मैनुअल नहीं है, AMT वेरिएंट है, तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट होने वाला है। जिसको टॉप एंड चाहिए मैग्नाइट में तो भाई टॉप सेलिंग यही रहने वाला है, 110% मैं श्योर हूँ। टेक्ना प्लस भी रहेगा, टेक्ना का AMT ये वाला जो मैंने आपको मॉडल अभी दिखाया, तो इसमें सारे फीचर्स आपको फुल लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, रोड प्रेजेंस भी सब चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं, और कॉस्मेटिकली जो गाड़ी के अंदर चेंज हुआ है फेसलिफ्ट में, वो सारे आपको इसके अंदर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, अगर आपका बजट 9 से 10 लाख है तो आप इस गाड़ी के ऊपर जाना पसंद करेंगे, और जिन जिन के पास मैग्नाइट है, देखो कॉस्मेटिकली तो चेंज हुआ है बट उनका एक्चुअल में क्या माइलेज देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम करती है 19, जो मैंने अभी तक सुना है 16-17 में AMT में काफी कस्टमर्स बोल रहे हैं, तो AMT के अंदर आपको कैसा माइलेज देखने को मिल रहा है आप मुझे प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ये भी जरूर बताना कि आपको फेसलिफ्ट वर्जन ये कैसा लगा, आप इस बजट में जरूर प्लान कर रहे हैं या नहीं, या मेरे इस वीडियो के थ्रू आप इस मॉडल पे जाना चाहेंगे या नहीं, या आपने डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करा है या नहीं, सब कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।